हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं त्रिफला गुग्गुल का वीडियो पहले बना चुकी हूँ। त्रिफला गुग्गुल बवासीर में राहत दिलाता है, तो मैं आज बवासीर में जो दो और पतंजलि की दवाई उपलब्ध है उनकी जानकारी दे रही हूँ। तो आप डॉक्टर, पतंजलि चिकित्सालय, वैद्य की सलाह से इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पतंजलि के दिव्य फार्मेसी का कुमारियासव। कुमारियासव गैस और अम्लता से होने वाली परेशानी से राहत देता है, गैस बनने से रोकता है, ये पेट फूलना, कब्ज और बवासीर में राहत देता है। यह हर्बल है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और पेट की समस्याओं से लंबे समय तक राहत देता है। फ्रेंड्स, ये 450 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस है 70 rupees। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कुमारियासव में कई तरह के हर्ब्स है, इसमें है एलोवेरा। एलोवेरा से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है और पेट अच्छे से साफ हो जाता है। हरितकी हरड़ बवासीर और कब्ज के लिए उपयोगी होता है। हरड़ पेट के कीड़ों को दूर करने, भूख और पाचन बढ़ाने में मदद करता है। गुड़ से कब्ज की जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है और गुड़ पाचन क्रिया को तेज़ करता है। शहद बड़ा पेट कम करता है और शरीर को ऊर्जा भी देता है। ढवाई फूल पेट का फूलना कम करता है। जायफल यानी कि नटमेग पेट की गैस और दस्त की समस्या से आराम दिलाता है। लौंग के एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण पाचन को बेहतर बनाते हैं। उल्टी, गैस और जलन जैसी पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए लौंग फ़ायदेमंद है। इसमें कबाब चीनी यानी कि शीतल चीनी है जिसमें पोषक तत्व होते हैं और बवासीर में शौच में जाने में कठिनाई में कबाब चीनी राहत दिलाती है। इसमें जटामांसी है, पाचक शक्ति को अच्छा रखने में सहायता करता है और कब्ज में आराम देता है। चित्रक पेट के वात को संतुलित करता है। जावत्रु, अपच, उल्टी और पेट के दर्द के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। काकड़ सिंगी से आमातिसार का रोग ठीक होता है। बहेड़ा कब्ज, एसिडिटी और पेट में जलन में राहत आराम देता है। इसमें है ताम्रभस्म है जो चर्म रोग, पेट में गांठ, उदरशूल, एसिडिटी के इलाज में उपयोग किया जाता है और लोह भस्म है जो खून की कमी को दूर करता है। इसको 15-30 ml कुमारियासव उतने ही पानी में मिला के दिन में दो बार खाने के बाद लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अर्शकल्पवटी, कुमारियासव, त्रिफला गुग्गुल ये दवाइयाँ बवासीर के लिए पतंजलि में उपलब्ध है। आप डॉक्टर या पतंजलि चिकित्सालय या वैद्य की सलाह से इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है पतंजलि के दिव्य फार्मेसी का अर्शकल्पवटी। ये अर्शकल्पवटी पाइल्स, बवासीर और फिस्टुला के लिए बनाई गई दवा है और यह हर्बल अर्क के संयोजन से बनाया गया है जो सूजन को ठीक करने और दर्द और बवासीर में शौच को जाने में होने वाली असुविधा को शांत करने की क्षमता रखता है। अर्शकल्पवटी आंत्र के दर्द को कम करती है और ये पाचन में सुधार करती है, गैस गठन और असुविधा को कम करती है। अर्शकल्पवटी बवासीर, फिस्टुला आदि में होने वाले चुभन, जलन और दर्द को रोकती है। इसमें है दारुहरिद्रा। दारुहरिद्रा एंटीऑक्सीडेंट है, घाव और अल्सर को ठीक करने के लिए दारुहरिद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। दारुहरिद्रा के सेवन से पेट की बीमारियों में लाभ होता है। हरड़ बवासीर और कब्ज में राहत दिलाती है। बकायान से पेट दर्द ठीक रहता है, ठीक होता है। निम्बोली से शुगर लेवल कम होता है, गैस, अल्सर, पेट की अन्य समस्या से आराम मिलता है, पेट की सफाई होती है। रीठा पेट के कीड़े साफ करता है। कपूर पेट दर्द से तुरंत आराम दिलाता है। मकोई दर्द, सूजन, घाव, पेट फूलने, अपच जैसे रोगों में फ़ायदा पहुँचाता है। एलोवेरा से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है और पेट अच्छे से साफ हो जाता है।
नागदमिनी, नागदोन पेट का दर्द, दस ऐठन कब्ज, धीमा पाचन, उल्टी से आराम दिलाता है। सो ये एक या दो गोली दिन में दो बार खाली पेट पर पानी या छाछ के साथ ले। सो ये दो इसमें उपलब्ध है, साइज़ में अवेलेबल है। ये 40 ग्राम का प्राइस है 65 रुपीज़। सो इसकी शेल्फ लाइफ 3 इयर्स की है। यहाँ पे इसके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स दिए हैं, दवाइयाँ सील देख के ही ले ले। सो फ्रेंड्स ये अर्शकल्पवटी और कुमारियासव और त्रिफला गुग्गुल, ये दवाइयाँ बवासीर के लिए पतंजलि में उपलब्ध है। सो आप डॉक्टर या पतंजलि चिकित्सालय या वैद्य की सलाह से इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि बवासीर के ऊपर पतंजलि में क्या क्या दवाइयाँ उपलब्ध है। तो आप पतंजलि चिकित्सालय से और डॉक्टर से कांटेक्ट करके इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ओम नमः शिवाय।